हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोसिना क्लासेस। तो 5 क्वेश्चन 5 MCQ सीरीज़ का मैं पार्ट लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को, और पहला क्वेश्चन जो है आपका इन्वायरमेंट से है, और ये क्वेश्चन आपका है क्योटो प्रोटोकॉल से। बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है ये, इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो बेसिकली ये प्रोटोकॉल जो थी वो थी ग्रीन हाउस इमिशन के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल्स बने थे, और कंट्रीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, डेवलप और डेवलपिंग नेशंस में। और डेवलप नेशंस को कहा गया था कि आपकी ये कंडीशन है और आपको इतनी परसेंटेज ग्रीन हाउस गैसेस को जो है कट करना होगा, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी हद तक सक्सेस भी मिली, ठीक है। बेसिकली नीड इसकी क्यों पड़ेगी, ग्रीन हाउसेस गैसेस जो होती है ना वो बेसिकली हीट को ट्रैप करती हैं, ठीक है। जब हीट को ट्रैप करती हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन्वायरमेंट का। जो आपके आइस वगैरह हैं नॉर्थ पोल के, वो जो होते हैं मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिससे जो समुद्र के किनारे देश बसे हैं उनको डूबने का खतरा है। तो यही सबको लेके ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत करेंट भी है, क्योंकि अभी आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में जो है अर्थक्वेक आया हुआ था, ठीक है, कश्मीर के इलाके में। तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन है आपका, अर्थक्वेक ओरिजिनेट होने वाले पॉइंट को आप क्या कहते हैं, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली। तो नॉर्मली स्टूडेंट करते क्या हैं, उन्हें लगता है कि एपिक सेंटर वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। जी नहीं, उसको हम एपिक सेंटर नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। जहाँ सबसे पहले अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और जहाँ सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है अर्थक्वेक का, उस पॉइंट को हम कहेंगे एपिक सेंटर। और फोकस से ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है आपका एपिक सेंटर, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 2 तरह की वेव्स होती हैं बेसिकली, मैं बता देता हूँ आपको। एक होती है पी वेव्स और एक होती है एस वेव्स। इसे हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं और सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक की है दो आपकी वेव्स हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपने। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है स्क्वायर ऑफ पोजीशन से, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है हमारे प्लेलिस्ट में, लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट में। आप ओपन करके स्क्वायर ऑफ पोजीशन को देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पूछा गया है आपसे क्वांटिटेटरी। क्वांटिटेटरी जो होता है वो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ए और ओ, ठीक है। ओ और ए के रिलेशनशिप को हम क्वांटिटेटरी कहते हैं, या फिर ई एंड आई के। तो इसके 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। ए में क्या आता है, ए में आता है ऑल वाला केस, और ओ में क्या आता है सम नॉट वाला केस, ठीक है। और इसी प्रकार से ई में क्या आता है नो वाला केस, और आई में क्या आता है सम वाला केस, ठीक है। ये बातें या अभी आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा स्क्वायर ऑफ पोजीशन, ठीक है। अब हम देखते हैं बोला क्या जा रहा है, यानी बोला जा रहा है ऑल मैन और वुमेन, यानी ये ए हो गया। तो ए के साथ हमें क्या देखना है, ओ को देखना है। ओ क्या है, सम नॉट वाला केस, ठीक है। तो ये आपका होगा सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। ये आपका ओ हो गया, यानी फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ठीक है। और सम मैन और वुमेन कौन सा केस है आपका, ये केस है आई वाला, ठीक है। और ये है सम मैन और वुमेन आई वाला केस है, ठीक है। और नो मैन और वुमेन जो है आपका वो है ई वाला केस। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, और सेकंड और फोर्थ आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, फर्स्ट और थर्ड आपको मिल गया पहले ऑप्शन में ही, तो यही आपका आंसर हो सकता है। लेकिन सेकंड और फोर्थ भी है, सेकंड और फोर्थ किसी और ऑप्शन में दे नहीं सकता, क्योंकि या ऐसा देगा तो फिर आंसर 2 हो जाएंगे, जबकि आंसर आपका एक ही होना चाहिए। डेट्स वाई सेकंड फोर्थ आपको कहीं ऑप्शन में नहीं मिलेगा, और आंसर आपका पहला हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो स्क्वायर ऑफ पोजीशन में, तो आप वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर लॉजिकल रीजनिंग के, और उसके बाद भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका रिसर्च से था, जो आया था दिसंबर 2018 में, एनटीए ने ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। रिव्यू कर रहा है रिसर्च को, ठीक है, कोई रिव्यूअर, और आर्टिकल विदाउट नोइंग द ऑथर नेम, और ऑथर का नाम उसे नहीं पता, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, इट्स रिफर टू एस। तो इसे हम कहते हैं ब्लाइंड रिव्यू करना, जहाँ पर हमें पता नहीं कि आर्टिकल किसका है, ठीक है। 4 का आंसर सी हो जाएगा आपका।
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका इन्वायरमेंट से ही है और जुलाई का क्वेश्चन आया हुआ था ये आपका। बेसिकली डिजास्टर्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एक या दो, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आज आपके सामने दो क्वेश्चन रख भी दिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज़ नो डिफिनेट बिगिनिंग एंड एंड, जिसका जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे डिजास्टर को हम क्या कहते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आपका है अर्थक्वेक फ्यू सेकेंड्स के लिए आता है या मैक्सिमम मिनट हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फिक्स स्टार्टिंग है और फिक्स एंड है। लैंडस्लाइड भी हम कह सकते हैं, ठीक है, इसका भी स्टार्टिंग है और एंड है। हुरिकेन जो तूफान आते हैं उनकी भी स्टार्टिंग और एंड होती है। बट ड्रॉट जो है सालों साल चलता है, इसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है, ठीक है। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो गाइस देखिए, हमारी ये सीरीज 5 मिनट 5 MCQ उसी तरह जारी रहेगी आपके सामने, लेकिन गाइस जो हमें उम्मीद थी उतने व्यूज़ अभी इस सीरीज़ को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत रिसर्च के बाद हम लाते हैं, इसको खोज खोज के लाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बनाते भी हैं, जून से भी लाते हैं, दिसंबर से भी लाते हैं। तो गाइज ये हमारी सीरीज़ आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करें, तो इसके लिए वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर।